नमस्कार, मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम जो हमारा युवा यूथ है उस पर समर्पित है। आज हमारे मेहमान हमारे बीच में श्रीमान अरविंद पांडे, युवराज दत्त महाविद्यालय लखीमपुर, छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमान विश्वनाथ राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार समाज उत्थान समिति, श्रीमान ओम प्रकाश गुप्ता जी, उपाध्यक्ष बाथम बैस महासभा गोला हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं। हम आपसे ही ये चर्चा करेंगे कि जो आज जो नई पीढ़ी है, वही 17-18 साल, 19-20 साल के बीच में वो पढ़ लिख जाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर वो भटकने लगते हैं कहीं कहीं, या तो उनको मार्गदर्शन उनको सही नहीं मिल रहा, कुछ कारण जरूर है। क्योंकि हमारे बीच जो मेहमान है वो अभिभावक का भी रोल करेंगे। मैं सर्वप्रथम श्रीमान अरविंद पांडे जी से निवेदन करना चाहूँगा, बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ 10 मिनट का निर्धारित है, तो हम चाहेंगे कि उस विषय में आप कुछ बताएं। जो आजकल का जो नया युवा है वो जो भटक रहा है, उसके संबंध में कुछ आप, कुछ हमारे जो गार्जियन है उन पर आप थोड़ा। देखिए, तो आज युवा पथभ्रष्ट हो रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा, पाश्चात्य संस्कृति समाज पर हावी होती जा रही, और पाश्चात्य संस्कृति को देख का अनुकरण करने के बाद जी युवा जो है भारतीय संस्कृति को छोड़ रहा है जी। इस संबंध में भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कदम उठाए हैं भारतीय संस्कृति और धर्म की स्थापना के लिए, पाश्चात्य संस्कृति को त्यागने के लिए जी, आज भारत ने एक संकल्प लिया जी, जिसके कारण आज एक धार्मिक चेतना पूरे देश में उत्पन्न हुई है, लोग धार्मिक हो रहे हैं, असहिष्णुता समाप्त हो रही है जी, और भारतीय संस्कृति के अनुरूप अगर युवा चलना सीख लेंगे और जो अभिभावक हैं वो भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने पालियों को शिक्षा देंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि किसी भी प्रकार से उनका बच्चा भटक नहीं सकता। क्योंकि आज नैतिक मूल्यों का जो पतन हुआ जी, उसके माँ बाप के प्रति आज देख रहे हैं हम कि लड़का जो है समर्पित नहीं है, आदर की भावना छोड़ रहा है, समाज में जो है बुराइयों को अपना रहा है, नशीले पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण उसका मस्तिष्क विकृत होता जा रहा है, वो नहीं सोच पा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसी दशा में अभिभावकों को चाहिए कि धर्म के प्रति अपने पालियों को जागरूक करें और भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन यापन व्यतीत करने के लिए उन्हें प्रेरित। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने समझाया। मैं श्रीमान विश्वनाथ राजपूत जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि अगर उनका बच्चा भटक रहा है तो ऐसी स्थिति में जो उनका अभिभावक है उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी है? धन्यवाद राजेंद्र जी। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती, जो गार्जियंस हैं जी जी, उनका भी दायित्व बनता है कि बच्चों पर किस तरह से उनको बात किया जाए जी जी, उनकी जो दिनचर्या है जी, जो उनके कार्य कार्यकलाप हाँ कार्यकलाप हैं जी जी, बच्चा कहाँ जा रहा है जी, किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है जी, बहुत सी चीजें माँ बाप पर भी निर्भर करती है। नौजवान दिशा युग ये भ्रमित हो रहा है जी जी, जैसे अभी पांडे जी ने, आदरणीय पांडे जी ने बताया कि नशीले पदार्थों का सेवन ये तमाम चीजें ऐसी हैं अपने अभिभावकों से वो जो है छुपा रहा, तमाम चीजें हैं। इसमें सबसे बड़ा दायित्व हमारा, आपका जो गार्जियन है उनका भी बनता है
कि बच्चे के हम संस्कारवान बनाए, और हिंदू समाज में तो तमाम चीज़ें शास्त्रों में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जी, कि भाई अगर हम आप कायदे से अपने बच्चों को ढालने का काम करें तो निश्चित रूप से आने वाला कल बेहतर होगा जी, बिल्कुल। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि बच्चों की सोबत अच्छे दिशा निर्देश दें, संस्कारवान बनाएं, उन्हें ऐसी शिक्षा हम ग्रहण कराएं ताकि वो माता पिता के प्रति उनका सम्मान बढ़े, समाज के प्रति उनके क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं, देश के प्रति क्या है, समाज उनसे क्या अपेक्षा करता है जी। भाई युवा जो शिक्षित युवा है उससे बड़ी अपेक्षाएं माता पिता को होती हैं, समाज को होती हैं, राष्ट्र को होती हैं, और नवयुवक जब दिशा हीन हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है जी, तो माँ बाप को बड़ा पीड़ा होती है, समाज को पीड़ा, रिश्तेदार नातेदार, उनके तमाम उदाहरण आजकल रोज प्रतिदिन आप अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से आप देखने को मिल रहे हैं जी, जी। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सबका दायित्व है कि नौजवानों को अच्छी शिक्षा दें, संस्कारवान बनाएं, अच्छी सोबत में उनका उठना बैठना उनको सिखाएं, तो ये तभी संभव है जब हम आप थोड़ा उसके लिए प्रयासरत रहेंगे जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमान ओम प्रकाश गुप्ता जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपसे ये निवेदन करेंगे, क्या जो समाज सेवी जो संस्थाएं हैं क्या उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए? निश्चित। सर्वप्रथम तो वकील साहब मैं आपका बहुत आभारी हूं और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक युवा मंच के माध्यम से एक जन जागरण जो युवाओं के लिए शुरू किया है जी, जी, उसके जी, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपका। अब मैं आता हूँ मुख्य विषय पे। ऐसा है जहाँ तक मेरी सोच है जी, ये टीन एज जो होती है जी जी, ये एक ऐसी एज होती है जी जो बच्चे को बनाती भी है बिगाड़ती भी है। और हमारा ये सोचना है इस टीन एज में हर अभिभावक को अपने बिजी समय में से सतर्क रहना चाहिए, कुछ समय निकालकर बच्चे पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कारण जैसे जैसे आपका बच्चा है किस स्कूल में जाता है, किन लोगों के साथ में रहता है, उसके दोस्त कैसे हैं, इसको फोन करता है, वही सब चीजें आप समय समय पे उसके फोन को लाओ बेटा देखें आपका फोन कैसा, उसको आप चेक करते रहिए। अगर आप नहीं चेक कर सकते हैं तो आपका जो विश्वसनीय हो उसको कभी कभार आप चाय पे बुला लें, उससे आप चेक करवा लें, मतलब मेन चीज तो ये है। दूसरी बात ये है हमारा जहां तक सोचना है कि हर अभिभावक को जी महीना 15 दिन में जी अपने घर पर जी पूरे परिवार के साथ एक काउंसलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। काउंसलिंग का मतलब ये है कि समाज में क्या घटित हो रहा है, बच्चे को आप समझाइए। सर्वप्रथम तो आप बच्चे को हमेशा बेटा समझ के नहीं, दोस्त समझ के उसको आप गाइडलाइन दीजिए, फिर आप उसको समझाइए। जैसे किसी हॉस्टल में किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो आप उसको क्या समझाएंगे? आप उसको ये समझाएंगे देखिए बेटा इस बच्चे ने गलत किया, अगर कुछ इसके साथ गलत हो रहा था तो इस बच्चे को चाहिए था कि तत्काल अपने गार्जियन को फोन करता। दूसरी बात अगर आप अपने बच्चे को यह समझाइए कि अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है या किसी भी समस्या में आप फंस गए हैं तो बेटा उसका हल ये नहीं है कि आप एक गलती को छुपाने के लिए दूसरा अपराध करते रहें, तीसरा करते रहें, आपका भविष्य ये काउंसलिंग होती है। आप उसको ये समझाइए कि अगर कोई बात होती है बेटा आप तुरंत मुझको बताइए, सच बोले। जब आप मुझको बताओगे मैं उस चीज से आपको उबार लूंगा। बिल्कुल सही। तो हमारा जहां तक सोचना है बच्चों को सुधारने में जी गार्जियन की काउंसलिंग बहुत अहम रोल रखती है। बहुत जरूरी, सही। और बाकी हम तो हमारा ये कहना है आपके वीडियो के माध्यम से कि जितने भी लोग समाज में रहते हैं वो चाहे सामाजिक संस्था से जुड़े हों चाहे राजनीतिक, हर व्यक्ति अगर दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ के बिल्कुल सही डील करेगा, जहां गलत होगा उसको समझाएगा, अगर बच्चा नहीं समझता उसके गार्जियन को बताएगा तो शायद कहीं ना कहीं इसका कुछ परिणाम सार्थक निकलेगा ही। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम में आपने अपनी सहभागिता दी और बड़े ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम में समझाने का प्रयास किया। आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं, अभिभावक हैं और जो भी छात्र देख रहे हों उनको इस कार्यक्रम में कुछ एक नई सीख मिलेगी। मेरा सभी से निवेदन है कि जो छात्र 18, 19, 20, 21 साल के जो भटकने लगते हैं
कुछ छात्र उनको अपने अभिभावकों की बात माननी चाहिए, अपने गुरुओं की बात माननी चाहिए। अब ये जरूर ध्यान दें, अगर आप भटकेंगे तो कहीं कहीं आप समाज में एक गलत मैसेज दे रहे हैं, और गलत अगर गतिविधियों में अगर आप लिप्त हैं तो कहीं कहीं आप सजा के भी भागीदारी बन रहे हैं, और उसका फिर कोई सुधार नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस ओर अवश्य ध्यान दें। आज का मैं कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।